साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे टिकट से रिलेटेड। इतने ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 90% कमेंट टिकट से रिलेटेड आ रहे हैं। हालांकि मैंने गल्फ से रिलेटेड जितनी भी कंट्रियों की टिकट फ्लाइट थी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं। तो भाई मैं दोबारा से बना रहा हूं टोटल कंट्रियों की, यानी आज की डेट से मान लीजिए 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, यानी 5 दिनों में जितनी फ्लाइट आएगी, कौन कौन से कंट्रियों से कितनी फ्लाइट आने वाली है, पूरी डिटेल से 5 वीडियो डाल दूंगा। तो आपके लायक जो वीडियो आप देख लीजिए भाई। तो अपन शुरुआत करते हैं साथियों आज की डेट से, यानी 19 मई की डेट से। आज की डेट में मैं बता दूं आपको 10 कंट्रियों से 14 फ्लाइट आज आने वाली हैं। तो आप देख लीजिए पूरी जानकारी। आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक जरूर कर लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट साथियों फ्लाइट आ रही है अमेरिका से, यूएसए से आ रही है, सैन फ्रांसिस्को से ये फ्लाइट जाएगी साथियों, कर्नाटक बेंगलुरु। सेकंड नंबर पे बात करते हैं साथियों, यूएई अबू धाबी से एक फ्लाइट निकलेगी, यानी 19 मई की डेट में ये फ्लाइट जाएगी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। थर्ड फ्लाइट पे बात करते हैं साथियों, दोबारा यूएई के फ्लाइट है, दिल्ली का है, इसमें शेड्यूल नहीं दिया गया है, बाकी यूएई से लिखा है, अबू धाबी से, दुबई से दिल्ली इतना ही लिखा है। आगे साथियों बात करते हैं सऊदी दमाम से एक फ्लाइट है, वो जाएगी कोची केरला से आज की डेट में। आगे नेक्स्ट फ्लाइट भी सऊदी से रिलेटेड है, सऊदी से जाएगी रियाद, कोचिकोड़े केरला स्टेट में, कोचिकोड़े साथियों राजधानी है, वहाँ पे ये फ्लाइट जाएगी। आगे नेक्स्ट फ्लाइट की बात करेंगे साथियों, बहरीन, मनामा बहरीन से आगे जो फ्लाइट है ये तेलंगाना हैदराबाद, ये फ्लाइट लैंड करेगी आज की डेट में। लगभग इसमें 170 के करीब यात्री पहुँचेंगे। कुवैत से एक फ्लाइट निकलेगी साथियों आज 19 मई की डेट में, जो केरला कन्नूर से रिलेटेड जाएगी, वहीं एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। आगे हम बात करते हैं साथियों जकार्ता इंडोनेशिया से रिलेटेड, इंडोनेशिया से एक फ्लाइट आएगी जो दिल्ली लैंड करेगी आज की डेट में, दिल्ली पहुंचेगी। आगे बात करते हैं साथियों मनीला यानी फिलीपींस की राजधानी मलीना से एक फ्लाइट उड़ान के भरेगी, जो पहुंचेगी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। जी हां साथियों, आगे हम बात करते हैं साथियों मलेशिया से एक फ्लाइट निकलेगी कोलालंपुर से आज की डेट में 19 मई को, जो पहुंचेगी कर्नाटक बेंगलुरु हवाई अड्डे पे। आगे दोबारा एक फ्लाइट और है साथियों मलेशिया से रिलेटेड, जिसमें गुजरात बेंगलुरु दो लिखे हैं, बाकी भाई शेड्यूल पूरा इसमें नहीं बताया गया है, तो हो सकता है जहां पेंडिंग रखा जाता है उसमें पूरी डिटेल नहीं बताई गई होगी। आगे साथियों बात करते हैं 12 नंबर पे ढाका बांग्लादेश से कल की डेट में फ्लाइट आएगी आज की डेट में, जो 19 मई को J&K श्रीनगर जो क्वारंटाइन है वहाँ पर जाएगी, सीधी J&K श्रीनगर लैंड करेगी। आगे फिर एक मलेशिया की फ्लाइट है साथियों, मलेशिया कुआलालंपुर से केरला कोची ये फ्लाइट पहुँचेगी। 14 नंबर पे बात करते हैं साथियों लास्ट में, यूके लंदन से एक फ्लाइट है जो केरला कोची पहुंचेगी। ये बता दूं साथियों लगभग 14 फ्लाइट हैं और 10 कंट्रियों से फ्लाइट आने वाली हैं भाई। सबसे ज़्यादा इसमें कोची की फ्लाइट है, ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्लाइटें केंद्र सरकार ने चला के कोची गवर्नमेंट चला रही है, सबसे ज़्यादा कोची और भाई इसका रीज़न यही है कि 50% पूरा भारत कर लो और एक तरफ पूरा कोची केरला स्टेट कर लो, सबसे ज़्यादा लोग वहीं के हैं, इसलिए वहाँ ज़्यादा फ्लाइट लैंड कर रही है, इसका और कोई रीज़न नहीं है। तो साथियों शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया कि भाई इतनी फ्लाइटें आएंगी आज की डेट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। आगे भी मैं आज की डेट में 4 वीडियो और डालने वाला हूँ, तो पूरे 5 वीडियो हैं, सब देख लीजिए। जितनी भी फ्लाइट हैं 23 तारीख तक सब शामिल हैं उसी वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।